बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा ब्रेक तो बाद तुसी देख रहे हो द इमीग्रेशन शो ते गलबात चल रही है इमीग्रेशन अपील्स नू लैके जी मनदीप जी अगे गलबात करते हैं पहला तो प्रोसीजर जिहड़े ने काफ़ी कॉम्प्लीकेटड लगते हैं और कई बार की हुंदा है कि जिहड़े व्यूअर्स ने साडे ओह बहुती वारी इदां हो जांदा है कि ओह किसे कोई लॉयर उन्हां नू इन्ना पैनिक भी कर दिंदे ने या कोई जिहड़े कि भी पता नहीं की हो जूगा अगे तो ये जिहड़े पैनिक दे चक्कर दे विच कई बारी हुंदा है कि डिसीजन भी गलत हो जांदे ने सो सब तो पहला असीं तुहाडे तों ये जानना चाहांगे कि तुसीं सानूं ब्रीफ च एक्सप्लेन करो कि कीहड़ी अपील है जिहड़ी किद्दां कीती जा सकती है और किहदे तों तुहानूं जिहड़ा है ओह थोड़ी ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਕਈ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਭ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸਰਟਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅਪੀਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਊਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਹੋ ਗਈ अगर तुसी परमानेंट रेजिडेंस हो और तुहाडा रेजिडेंशियल टाइम नहीं कंप्लीट नहीं हुआ उहदी अपील जांदी है या मिनिस्टर मिनिस्टर दी डेलीगेशन दी अपील जांदी है जिहदा तुहाडे ते अगेंस्ट राइट अप लाता है क्रिमिनल चार्जेस करके एंड उस तों बाद अपील जांदी है जो सब तो मेन हुंदी है ओह आई डी दी अपील जांदी है दीज आर द मेन जो अपील आई आई डी लैंदी है ठीक है जी आई डी आंदी है इमीग्रेशन डिविजन इमीग्रेशन डिविजन का मेन रोल यह हैगा कि इन केस ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਇਫ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਗਟ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਇਨ ਜੇਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਇਜ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਿਸ ਉਹਦਾ ਕੇਸਿਸ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਟ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਪੋਰਟ ਦਿਸ ਪਰਸਨ अगर वो डिपोर्ट करना चाहते हैं तो सब तो पहले उसकी हियरिंग होएगी आई डी नाल इमीग्रेशन डिविजन इमीग्रेशन डिविजन अगर तुहाडा स्टेटस टेंपरेरी हैगा तो उस तो बाद तुहाडे कोल अपील राइट्स नहीं हैगे पर अगर तुसी परमानेंट हो तो तुहाडे कोल अपील राइट हैगे आई आई डी ते मेरी रिकमेंडेशन होएगी डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस अगर तुसी डिटेंशन चो सब तो पहला क्वालिफाइड लॉयर या कंसल्टेंट नो कॉल करन ताकि वो तुहाडी मैटर समझ सके एंड तुहानू प्रॉपरली रिप्रजेंट कर सके आई डी दे सामने अगर आई डी के सामने अगर थोड़ा नैगेटिव डिसीजन हो गया तो अपील कर सकते हो और डिसीजन इमीग्रेशन डिविजन आई आई डी से अगर वो डिविजन भी थोड़ी कंप्लीट नहीं होती दैन यू हैव अ राइट टू गो टू अ फैडरल कोर्ट स्टैप बाय स्टैप प्रोसैस होंगी है तो मैं अंडरसटैंड करता कई कई इस सिचुएशन से क्लाइंट का बेनीफिट भी लेंदे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैनिक कर देंगे तो जो क्लाइंट हैगा या वो परसन हैगा वो प्रॉपर वे नाल एक डिसीजन नहीं ले सकता मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि जब भी तुसी किसे लॉयर या क्वालिफाइड कंसल्टेंट नाल अपनी स्टार्ट कर रहे हो डिस्कस कर रहे हो सब तो पहला उन्हां तो उन्हां दे क्रेडेंशियल चेक करो कि वो उन्हां दी यू नो इनफॉर्म चेक करन कि अगर वो लॉ सोसाइटी नाल रजिस्टर्ड है एज ए लॉयर कंसल्टेंट है वो उन्हां दी उन्हां दी वैबसाइट चेक कर सकते हैं ताकि वो नोट करन कि एक्चुअली कंटेंट की है तो दूजी थिंग ये हैगी है कि हमेशा एक दो बंदियां नाल सेकंड ओपीनियन जरूर लैनी चाहिए है ताकि तुहानूं एक इनफॉर्म डिसीजन होए जिहदे बेसिस ते तुसी मेक कर सकदे हो रही गल तुहाडी पैनिक वाले बटन की ये जो अपील होंदियां है या कोई भी मैटर जब इमीग्रेशन डिनाई करती है ये हमेशा स्ट्रैसफुल होंदा बट एट द सेम टाइम तुहानूं ये याद रखना है कि डिपेंडिंग अपॉन कि तुसी किस टाइप की अपील पर जा रहे हो तुहाडा टाइम पीरियड बाउंड होंदा है ठीक है तुसी उन्हों रिलैक्स नहीं कर सकते द मोमेंट यू गैट अ डिसीजन नैगेटिव डिसीजन तुसी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि फॉलोअप करना शुरू कर दो एक लॉयर दो लॉयर्स नो या तुसी कंसल्टेंट्स नो एंड जो तुहानूं बेस्ट इंफॉर्मेशन लगती है उहदे नाल तुसी जाओ ते एट द सेम टाइम मेक श्योर करो कि टाइमलाइन जो हैगी है वह ओवर एक्सटेंड नहीं करनी क्योंकि वेरी लिमिटेड सर्कमस्टांसिज होते हैं जिद ईवन फैडरल कोर्ट या आई आई डी तुहानूं एक्सटेंशन दिंदी है इन फाइलिंग द अपील जे असी अगे गलबात करिए जिहड़े पेरेंट्स दे वीज़ा नू लैके काफ़ी इत्थे जिहड़ी है पिछले साल भी काफ़ी रहा सीगा कि असी जी 10 मिनट विंडो खुली है 2 मिनट विंडो खुली है 4 मिनट और उस तो बाद कई वारी हुंदा है कि कई जणे लई हुंदा है कि वो ये कहिंदे ने कि असी किन्नी देर तो इत्थे टैक्स भर रहे हैं असी सिटीजन सीगे इत्थे
और जी साडे पेरेंट्स नू क्यों नहीं वीज़ा ग्रांट किया जा रहा या फिर साडे ब्रदर सिस्टर नू क्यों नहीं जिहड़ा वीज़ा है वह ग्रांट किया जा रहा और एट द सेम टाइम कई बार ये हुंदा है कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जिहड़े ने वह ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं सो यह जिहड़ी सिटीजनस ने या जिहड़े परमानेंट रेजिडेंट ने या अगर किसी ने कॉन्वोकेशन से अपने पेरेंट्स नू बुलाना तो अगर उन्हां दा जिहड़ा वीज़ा है रिजैक्ट हुंदा है कि स्टूडेंट भी अपील कर सकता है उस चीज़ नू कि परमानेंट रेजिडेंट अपील कर सकता है या कि सिटीजन अपील कर सकता है ओके वेरी गुड क्वेश्चन है जी। सब तो पहला मैं टैंपरेरी वीज़ास ते गल करांगा। अगर कोई स्टूडेंट ने कॉन्वोकेशन ते अपने पेरेंट्स नू बुलाया ने इमीग्रेशन कैनेडा ने डिनाई करता है या सुना कोल राइट हैगा 60 डेज दे अंदर वो फैडरल कोर्ट च उनो मैटर नू लजा सकदे फैडरल कोर्ट च वो डिसीजन मेक कर सकदे कि बेसिकली इस रीजनस करके मैनू अपील मैं करना चाहता है इन्फॉर्मेशन ते। सैकेंड जो गल हैगी है जो पेरेंट्स नू स्पॉन्सरशिप करना चाहते उन्हां दी अपील IAD से जाती है इमीग्रेशन अपील डिवीजन से डिपेंडिंग अपॉन द सरकमस्टांसिस किहो जे सरकमस्टांसिस होंगे ये जो अपील होंगी एक लैटिन वर्ड है डिनोवो अपील IAD की अपील डिनोवो होंगी डिनोवो का मतलब है कि तुसी बाद च भी अपने एविडेंस सबमिट कर सकते हो पर जो फैडरल कोर्ट होंगी है वह हमेशा जो इन्फॉर्मेशन इमीग्रेशन ऑफिसर के सामने से उसी बेस से उन्हां दी अपील होंगी है तो ग्राउंडस आर वेरी नैरो फैडरल कोर्ट से बट IAD से तुम अपनी सबमिशनस कर सकते हो अडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हो विटनेसिस बुला सकते हो डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की तुहाडी अपील हैगी ते मैं एम्फसाइज ये करांगा हमेशा जिदा भी तुहानू डिसीजन मिलता है एक राइट अवे क्वालिफाइड लॉयर या कंसल्टेंट नाल तुसी गलबात करो वो इन्फॉर्मेशन चैक करके तुहानू दस सकदा है कि इट्स ए गुड आइडिया टू अपील और इट्स नॉट ए गुड आइडिया टू अपील ते अगर अपील करना है तो केड़े लेवल ते अपील करना है क्योंकि हर स्टेप बाय स्टेप नो फॉलो करना चाहिए वी कांट गो डायरेक्टली टू फैडरल कोर्ट क्योंकि जिदा मैं तुहानू दस्या कि अगर फैडरल कोर्ट डिनाई कर देती है किस लैवल ते डिनाई करती है तुहाडे कोल राइट है नहीं उहदा अगे जाण दा तो इस करके वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा कि तुहाडा जो भी रिप्रजेंट कर रहा तुहाडे केसिस च स्पैशली अपील्स च वो क्वालिफाई बंदा होना चाहिए उन्होंने पता होना चाहिए वो की कर रहा है। जी जी जिदा असीं अपील्स की गल कर रहे हैं एक वर्ड होंदा जुडिशियल रिव्यू कि ये दोनों चीज़ें सेम ने या इन्हें कोई डिफरेंस है? ओके जो जुडिशियल रिव्यू होंदा जी ये बेसिकली फैडरल कोर्ट जब तुसी अप्लाई करते हो जुडिशियल रिव्यू होंदा जो जुडिशियल रिव्यू है वेरियस वेज नाल तुसी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि तुसी अपील किदा कीती है अगर तुसी इमीग्रेशन कैनेडा दे डिसीजन ते अपील कीती है या तुसी IAD दे अपील कीती है या रिफ्यूजी डिविजन दी अपील कीती है वेरियस वेज नाल तुसी अपील कर सकते हो एंड ओवरऑल इन जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इस मैटर। जी जी जो असी अपील कर दें कि वो अपील करन दे विच विच भी कोई टाइम होंगे कि तुम इन्नी दिन तक डिसीजन जिहड़ा है वो मिल जाएगा या जिहड़ा तुसी टाइमलाइन जिहड़ी तुसी दसी है ओवरऑल डिसीजन की टाइमलाइन होंगी है या सिर्फ अपलाई करन दी होंगी है? ओह बेसिकली अपलाई करन दी होंगी है जिदा मैं तुम्हें दसिया विद इन कैनेडा तुहाडे कोल 15 डेज है तो अगर इमीग्रेशन कैनेडा का डिसीजन मिलता है पर आउटसाइड कैनेडा तुहाडे कोल 60 दिन होंगे जिद जुडिशियल रिव्यू स्टार्ट करना पहला स्टैप हैगा जुडिशियल रिव्यू फाइल करना वंस तुसी फाइल करता तुहाडे कोल 10 डेज के अंदर अंदर तुहानू वो मिनिस्टर डेलीगेट ते सर्विस भी करनी होंगी है उस तो बाद वंस जब तुसी तुहाडा जुडिशियल रिव्यू एक्सैप्ट हो गया फाइल नंबर आ गया तुहाडे कोल 30 डेज हैगे है जिदे विच तुहानू परफेक्ट करना है परफेक्ट मीन कि तुहाडा जुडिशियल रिव्यू जब तुसी अप्लाई करदे हो एक सिंपल तुसी एक फॉर्म फिल करदे हो एक जिदा मैं तुहानू दस्सिया क्वालिफाइड लॉयर वो तुहाडी असिस्ट कर सकदा तुहाडे डॉक्यूमेंट बना सकदा वो सबमिट करदे वंस तुहाडे कोल स्टैंप हो के फाइल नंबर आ गया है फैडरल कोर्ट का तुहाडे कोल 30 डेज है जिदे विच तुसी उहनू परफेक्ट करना है परफेक्शन इज कि तुहाडे विच ऑल द डॉक्यूमेंट जो तुसी अपील च लाना चाहते हो वो लाओगे उस तो बाद मिनिस्टर डेलीगेट कोल राइट हैगा है विद इन 30 डेज वो उन्होंने रिस्पोंड कर सकते उस तो बाद ये सारे डॉक्यूमेंट एक जज के सामने पाए जाते रखे जाते हैं तो उस तो बाद वो जज एक डिसीजन करता है कि मैं इसनों एक्चुअली हेयर कराँगा कि नहीं कराँगा अगर तुहानू वो राइट एक्सैप्ट हो जाता है उन्होंने कहें कि तुहाडी लीव ग्रांट हो गई है नाउ दिस गोज टू एन एक्चुअल हेयरिंग अगर जज कहता है कि ये कोई मैरिट नहीं है ये कोई कोई मैरिट नहीं है इस मैटर को सुनने वास्ते व्हाट दे डू इज दे डिनाय द जुडिशियल रिव्यू अगर उन्होंने लीव नहीं दिती दैट मीन एंड ऑफ स्टोरी तुसी कुछ नहीं कर सकते तो सैकेंड स्टेज क्यों थर्ड स्टेज की होंगे कि तुहाडी एक्चुअल हेयरिंग होंगी है अगेन हेयरिंग तुहानू कोई जिदा तुसी टीवी च देखते हो तुहानू कोई कटघरे च नहीं बुलाया जाता मोस्ट ऑफ द टाइम तुहाडा लॉयर आर्ग्यूमेंट करता है तुहाडे बिहाफ ते
एंड जज ओदे बेस ते डिसीजन मेक करदा है। एंड समटाइम डिसीजन जो होंदा डिपेंडिंग अपॉन कॉम्पलैक्सिटी ऑफ द मैटर, वो डिसीजन कई बारी राइट वे भी आ जाता है पर कई बारी कपल ऑफ मंथ भी लग सकता है जिसे इनफॉर्म डिसीजन मेक किया जाता है। पर ओवरऑल जो अपना एक्सपीरियंस कहता है मिनिमम 6 महीने तो लैके साल भी लग सकता है प्रोसेस से, डिपेंड अपॉन कि थोड़ी किस लेवल पर एक्सेप्ट हुई है। अगर थोड़ी जुडिशियल रिव्यू लीव ही नहीं मिली दैट मीन इट कैन बी डन विद इन अ कपल ऑफ मंथ। ओवरऑल 3 to 6 महीने के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा कि थोड़ी अपील एक्सेप्ट हो गई या नहीं हो गई है, मतलब जो लीव मिल गई है नहीं मिल गई। जब तुम्हें लीव मिल गई तो बाद एक्चुअल हियरिंग होती है। जो फेडरल कोर्ट है दे ट्राई टू स्केड्यूल इट एज फास्ट एज पॉसिबल, बट उन्होंने को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्स होने करके एक थोड़ा जहा टाइम लगता है। पर ओवरऑल जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा 6 महीने तो 12 महीने के अंदर अंदर ये मैटर का डिसीजन आ सकता है। जी जी मनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा अज साडे नाल गलबात करन दे लई। उम्मीद करते हैं कि जिहड़ी जानकारी तुसीं सांझी कीती है वो साडे दर्शकां दे लई काफ़ी लाहेवंद होवेगी। धन्यवाद। थैंक यू। अज दे एपीसोड दे विच बस इन्ना ही, मिलदे हैं अगले हफ्ते एक नवे मुद्दे नूं लै के। जेकर थोड़े मन दे विच वी कैनेडा दी इमीग्रेशन नूं लै के कोई सवाल ने तां तुसीं सानूं भेज सकते हो इस नंबर ते।